हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एंड एफसी के प्लेयर रोमेन फेलुटु और मिर्शाद मिकू के बारे में, और साथ ही साथ हमारा नेशनल टीम के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आपको साइड में एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखा होगा, तो इस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना। और अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हो, हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज जो है हमारे गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में हमारा इंडियन नेशनल टीम जो है अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच खेले। तो ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है इंडिया का, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरत है मतलब इंडिया को 3 पॉइंट मिलने का। और पिछला मैच ड्रॉ हुआ था, जिससे हम जीत के एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ड्रॉ हुआ। लेकिन इसमें भाई इस आज के मैच में हम जरूर जीतेंगे। और भाई मैं हमारा नॉर्थ ईस्ट के फैंस से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्टेडियम पूरा फुल कर देना, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट का मैच होता है तब तो भाई आप आते हो नहीं हो स्टेडियम में, मतलब लोग दिखते ही नहीं हैं। तो ऐसा मत करो भाई, अभी हमारा इंडियन नेशनल टीम का मैच है, तो आप लोग आओ स्टेडियम एकदम फुल भर दो, और सिर्फ एक ही आवाज़ स्टेडियम में बजना चाहिए, वो है वंदे मातरम। ओके, तो आप लोग स्टेडियम में जरूर आना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं मिर्शाद मिकू के बारे में। तो दोस्तों, मिर्शाद के बकवास परफॉर्मेंस देख के भाई नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट और फैंस दोनों ही नाराज है। और जो है इस सीज़न तो भाई मतलब मिर्शाद मिकू नॉर्थ ईस्ट के साथ खेल रहे, लेकिन नेक्स्ट सीज़न नहीं खेल पाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने के लिए कोई भी ऑफर नहीं भेजा है और ना ही भेजने वाला है। तो नेक्स्ट सीज़न मिर्शाद मिकू किसी दूसरे क्लब में दिखेंगे। तो ऐसा अपडेट आ रहा है कि भाई आई लीग के 2 क्लब और हमारा ISL के भी 2 क्लब भाई मिर्शाद मिकू का इंटरेस्ट दिखा रहा है मिर्शाद मिकू के ऊपर। तो होप कि भाई मिर्शाद मिकू कोई अच्छा है ISL के मतलब क्लब में जाए और मतलब अपना जो है मतलब फॉर्म वापस लाए, ये तो मतलब मैं यही होप करता हूँ। तो भाई उसके बाद सेकंड बात करते हैं रोमेन फेलुटु के बारे में। तो दोस्तों, पिछले सीजन जितना ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था रोमेन फेलुटु, लेकिन इस सीज़न भाई बिल्कुल ही बकवास परफॉर्मेंस किया है रोमेन फेलुटु ने भाई। पिछले सीज़न का और इस सीज़न के रोमेन फेलुटु में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट के फैंस भी भाई रोमेन फेलुटु के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। वो लोग यही डिमांड करें कि अगर अच्छा मिडफील्डर को साइन किया जाए, और नॉर्थ ईस्ट FC मदी तलाल पर भी इंटरेस्ट दिखा रहा था लेकिन उसको साइनिंग नहीं किया। तो अभी ऐसा अपडेट आ रहा है कि भाई रोमेन फेलुटु के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं किया है नॉर्थ ईस्ट ने, और ना ही कोई ऑफर जाए और ना ही फेजी का। तो रोमेन फेलुटु नेक्स्ट सीजन किसी दूसरे क्लब में खेलेंगे शायद, भाई ISL में तो शायद नहीं रहेंगे, किसी दूसरे मतलब अपने देश में शायद फ्रांस के किसी क्लब में जाएंगे। तो अभी भाई नो एक न्यू जो है मिडफील्डर आने वाला है नॉर्थ ईस्ट में। भाई मदी तलाल तो भाई ईस्ट बंगाल में चला गया, अभी ISL में और अच्छे अच्छे मिडफील्डर उनको साइन कर सकता है मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट FC। तो देखते हैं आने वाले समय में भाई इससे रिलेटेड कोई अगर अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर से शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले भाई अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज का मैच कौन कौन देखने जा रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल आज तक इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टेडियम में जरूर आना, स्टेडियम फुल भर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको अलविदा, जय हिंद जय भारत।